नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अप्पू अपहरणकर्ता, जो कि बाघेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। महल में संध्या बीतने को है, परंतु सेनापति अब तक महाराज को लेकर नहीं लौटा। भूल जाओ बच्चू, बिना फिरौती लिए अप्पू ना उस मुच्छड़ को छोड़ेगा और ना उस मरकप को। और फिरौती की रकम मेरे निजी कोष में जा चुकी है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। तभी बचाओ बचाओ, हाय ये क्या बला है। आवाज से तो इंसान ही लग रहा है, परंतु दिख तो कोई पशु रहा है। हाय, ये तो कोई गौ प्राणी लगता है। इसकी शक्ल तो देखो, सेनापति मरखब से कितनी मिलती जुलती है। मिलती जुलती नहीं है कंबख्तो, मैं सेनापति मरखब ही हूं। अरे हाँ, ये तो अपना सेनापति मरखब ही है, परंतु तुम तो महाराज को छुड़ाने गए थे। तुम्हारी ये दुर्गति कैसी हो गई। वो सब छोड़ो, पहले मुझे इस मुसीबत से बचाओ। किस मुसीबत से। इस मुसीबत से, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। सैनिकों, रोको इस सांड को। चाहे जितनी ऊंची दीवार खड़ी कर लो, चाहे जितना पहरा लगा लो, चाहे जितनी जंजीरें पहन लो, चाहे जितनी जंजीरें पहना लो, कालिया हर कारागार को तोड़कर निकल जाएगा। जेलर साहब, प्यार कभी झुकता नहीं और कालिया कभी रुकता नहीं। अबे ये क्या धाड़। अरे वाह वाकेलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। एक ही बार में सांड को चारों खाने चित कर दिया। वो सब छोड़ो महामंत्री जी, और इस सांड को फौरन यहां से हटवाओ, वरना इस बार तो मैंने सेनापति की लाज बचा ली, लेकिन हो सकता है अगली बार ना बचा पाऊं। बोलो सांड जैसे हट्टे कट्टे सेनापति की लाज बचाने वाले बाकेलाल की जय। अब बताओ सेनापति मरकब, तुम तो महाराज को छुड़ाने फिरौती लेकर गए थे, फिर तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई और महाराज कहाँ है। वो मैं गया तो था फिरौती ही लेकर, किंतु। और सेनापति महामंत्री को सब बताता चला गया। ओह, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या होगा बाकेलाल। जो होगा वो बाद में देख लेंगे। फिलहाल गौशाला मंत्री से कहकर सेनापति को गौशाला में ले जाओ। अप्पू अपहरणकर्ता ने इसको गाय तो बना ही डाला है, क्या पता अब ये दूध भी देने लगे। घर देख लूंगा तुझे भी बाकेलाल। ये समय परिहास का नहीं है बाकेलाल, महाराज के प्राण संकट में है। क्या पता फिरौती ना मिलने की सूरत में वो महाराज का कोई अहित ही कर बैठे। तुम फौरन तेरी फू से महाराज का कुशल क्षेम पता करो। ठीक है महामंत्री जी, मैं अभी पता करता हूं। संपर्क स्थापित होते ही, क्यों बे जमूरो, अप्पू अपहरणकर्ता के साथ मजाक करते हो। उसको खाली हाथ भेज दिया, क्या समझे अप्पू खुश होगा, तालियां बजाएगा। माफ कीजिए अप्पू जी, हमारा आदमी 2 बोरी स्वर्ण मुद्राएं लेकर गया था, परंतु इसकी भूल से मुद्राएं जंगल में ही छूट गई। परंतु आप चिंता ना करें, हम कल प्रातः ही 2 स्वर्ण मुद्राएं की बोरी आपके बताए पते पर पहुंचा देंगे। नहीं, अब तू 2 बोरी नहीं 4 बोरी लाएगा। क्या 4 बोरी, पर फिरौती की रकम तो 2 बोरी थी। 2 बोरी थी ना। अप्पू फिरौती देने के लिए सिर्फ 3 मौके देता है, और हर मौके पर फिरौती की रकम दुगुनी हो जाती है। और फिर 3 मौके निकल गए तो क्या काम खलास। तेरे मुंह में घी सक्कर, महाराज से मेरी बात करवाओ। ये ले बात कर। महाराज अब ठीक तो है ना, हम महावीर हैं, सालों ने भूखा मार दिया। हो गई महाराज से बात, अब ध्यान से सुन। कल प्रातः मुझे काली घाटी नीले पीपल के पास 4 बोरे स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिले तो कट। पुई। क्या हुआ बाकेलाल, महाराज ठीक तो है ना। अगर कल प्रातः हमने 4 बोरे स्वर्ण मुद्राएं नहीं पहुंचाई तो महाराज कुशल नहीं रहेंगे। मुद्राओं का प्रबंध तो मैं कर दूंगा, परंतु यक्ष प्रश्न ये है कि आप फिरौती के रत्न लेकर जाएगा कौन। तुम जाओगे परमन मंत्री। क्या मैं। हाँ तुम परमन मंत्री, पर मैं ही क्यों। क्योंकि तुम्हारी प्रबंध क्षमता कमाल की है परमन मंत्री, और हमारे सामने जो विकट समस्या आ खड़ी हुई है उसमें तुम्हारा प्रबंधन क्षमता की बहुत आवश्यकता पड़ेगी।
परंतु बाकेलाल जी मान जाओ प्रबंध मंत्री, वरना प्रबंध के नाम पर राजकोष का धन कहा जाता है, इसकी भनक अगर महामंत्री जी को लग गई तो क्या होगा? बाकेलाल जी आपको भी पता है? तो क्या तुम क्या समझते हो, जुगाड़ की तरकीबें सिर्फ तुम्हें आती है? अब क्या बोलते हो, खोलो अपना मुंह। नहीं, मैं जाने को तैयार हूं, परंतु मैं अकेले ही? तुम नारा मंत्री को अपने साथ लेते जाओ, वो नारे लगा लगा कर तुम्हारा हौसला बढ़ाता रहेगा। क्या मैं भी? मगर रास्ते में वो शेर दोबारा मिल गया तो? उसकी चिंता मत करो, क्योंकि इस बार तुम लोग घोड़े पर नहीं हाथी पर जाओगे, ताकि मुद्राएं गिरने की नौबत ही ना आए। अब तुम लोग सो जाओ, क्योंकि कल प्रातः ही तुम्हें फिरौती की रकम लेकर प्रस्थान करना है, और मुझे भी प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि मेरी योजना का अगला चरण अर्धरात्रि को ही शुरू होगा। टन टन, अरे वाह, अर्धरात्रि का घंटा बज गया, वो भी बिल्कुल सही समय पर। इस घंटाली ने कहीं भांग वांग तो नहीं खा ली? खैर मुझे क्या, घंटा समय पर बजे या ना बजे, मैं तो पैदाइश घड़ी हूं, मुर्गा भी मेरी बाग पर उठता है। खैर अब मुझे चलना चाहिए गौशाला, जहां पूरा होना है मेरी योजना का अगला चरण। अरे ये अर्धरात्रि के समय बाकेलाल गौशाला की तरफ क्यों जा रहा है? पास जाकर देखना होगा कि इसकी योजना का क्या है। ओह ये कमीना तो हाथी को कुछ अगड़म बगड़म खिला रहा है, ताकि हाथी पागल हो जाए और रकम अप्पू तक ना पहुंच पाए, लेकिन मरकब के होते ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर अगले दिन प्रातः, इस बार महाराज को लेकर ही लौटा प्रबंध मंत्री। हाँ अगर हम जीवित लौटे तो। तुम्हें क्या लगता है बाकेलाल, क्या प्रबंध मंत्री फिरौती दे पाएगा? अगर हाथी सहयोग करेगा तो जरूर दे पाएगा। वो तो करेगा ही बेटा बाकेलाल, क्योंकि मैंने पशु वैद्य झींगा मुस्ती की दवाइयों से उस हाथी को उल्टी करवाई है, जिसके कारण उसके पेट में गई पागलपंती औषधि का असर खत्म हो चुका है। यानी तुम्हारी सारी योजना अब सफेद हाथी ही साबित होने वाली है। सेनापति, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जहां से दूसरे सोचना बंद करते हैं, वहां से बाकेलाल सोचना शुरू करता है। जंगल में, नारा मंत्री बुलंद सिंह, तेरे मुंह पर ताला क्यों चिपक गया? नारे क्यों नहीं लगाता? डर के मारे गले से आवाज नहीं निकल रही है। नारे क्या खाक लगाऊंगा? डरो मत नारा मंत्री, तुम नारे लगाओ, इससे हमारा डर भी दूर रहेगा। ठीक है मैं कोशिश करता हूं। कड़ाक, बोलो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका करी सके जो जग बैरी होए। अबे ये क्या किया नारा मंत्री, स्वर्ण मुद्राओं की बोरियां तो नीचे गिर गई। एक काम कर, तू नीचे उतर कर मुझे बोरियां पकड़ा, मैं उसे ऊपर खींच लूंगा। नहीं तुम मुझे बोरियां थमाओ, मैं खींच लूंगा। नहीं तुम। धड़ाम धड़ाम, अबे ये क्या तुम लगा रखा है, दिमाग का दही कर दिया है कमबख्तों ने। अब उठाओ बोरिया और लादो मेरी पीठ पर। जल्दी कर नारा मंत्री, ये जंगल खूंखार पशुओं और नरभक्षियों से भरा पड़ा है। सिर्फ नरभक्षी और पशु ही नहीं, इस जंगल में हम भी रहते हैं भाई। कौन हो तुम? मैं हूं इस ब्रिज का प्रेत, वो साला बोधी वाला। क्या भूत? पर मैंने तो सुना है भूत प्रेत रात को निकलते हैं। सही कहा, पर मैं तो सुबह की सैर पर निकला हूं। बताओ तुम दोनों में से पहले किसको खाऊं? नहीं भागो। ये योजना भी सफल रही। कंबल सेनापति मेरी योजना की टांग तोड़ने चला था। वास्तव में मैंने उसको अपने पीछे आते देख लिया था और उसी से मैं अपनी योजना बदल दी थी। मेरा निशाना हाथी नहीं बल्कि उसका हिंडोला था, जिसमें मैंने प्रातःकाल ही लकड़खोर कीड़े छोड़ दिए थे, जिससे कि हिंडोला बीच रास्ते में कमजोर होकर टूट गया और बचा खुचा काम नट्टू नौटंकी वाले की इस प्रेत वाली पोशाक ने कर दिया। दो मौके निकल चुके हैं, अब अगर तीसरा मौका भी निकल गया तो गुस्से में अप्पू अपहरणकर्ता मोटे का राम नाम सत कर देगा। महल में, सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक प्रबंध मंत्री और नारा मंत्री का कुछ पता पता नहीं है।
कहीं वो दोनों भी किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? जिस तरह वो सिर पर पांव रखकर भागे थे, उनको तो अब तक लौट आना चाहिए था। कहीं वो जंगल के हिंसक पशुओं का शिकार तो नहीं हो गए? तभी महामंत्री जी, महामंत्री जी, महल में दो विचित्र जीवों ने हमला कर दिया है। क्या? ओफ, और मुसीबत कम थी जो एक मुसीबत और गले पड़ गई। जाओ फौरन पकड़ो। महल के अंदर अफरा तफरी का माहौल था। भागो भागो, बचाओ बचाओ। हाय दैया, सेनापति जी, आप, तुम्हारा इस तरह अकेले भागना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें मेरे जैसे वीर के पीछे ही रहना चाहिए। वो तो ठीक है, पर आप इस खंभे के पीछे खड़े क्या कर रहे हैं? वो मैं उन विचित्र जीवों का इंतजार कर रहा था, ताकि वो जैसे ही इधर से गुजरे मैं उनको धर दबोचूं। फिर तो समझो आपको वो मौका मिल गया। पलट कर देखिए, गड़ब मर गया है। जाइए और इनको सबक सिखा दीजिए। नहीं, धड़ा, नहीं नहीं, निकल गई सारी हेकड़ी। निकल गई सारी वीरता। आखिर विशालगढ़ के वीर सैनिकों ने अपनी जान पर खेलकर उन दो विचित्र जीवों को पकड़ ही लिया। महामंत्री जी, हमने इन दोनों खुखार पशुओं को पकड़ ही लिया, इन्हें फौरन मौत के घाट उतार दो। नहीं महामंत्री जी, ऐसा मत करना। हाय, ये मनुष्य की वाणी में बात कर रहा है। वो इसलिए महामंत्री जी क्योंकि हम मनुष्य ही हैं। मैं हूं परमन मंत्री और मैं हूं नारा मंत्री। हम तो छुप छुपा कर महल में प्रवेश करना चाहते थे, ताकि हमारी दुर्गति कोई और ना देख पाए, परंतु सिपाहियों ने हमें पशु समझ लिया और शोर मचा दिया। यानी इस बार भी अप्पू को फिरौती की रकम नहीं पहुंचाई जा सकी। उफ, अब क्या होगा? मैं अभी तेरी फू से संपर्क करता हूं। तेरी फू अप्पू? एक तो मेरी फिरौती नहीं दी, ऊपर से मुझे फू करता है हरामखोर। तेरी फू, तेरे पिताश्री की फू, तेरे पूरे खानदान की फू। अरे अरे, तुम समझे नहीं अप्पू, तेरी फू में अभिवादन ऐसे ही की जाती है। ये बताओ महाराज कैसे हैं? उनकी तो मैं बस गर्दन मरोड़ने वाला हूँ। अरे रुक जाओ अप्पू, इतनी जल्दी भी क्या है? मेरा मतलब है एक मौका और दे दो, इस बार पक्का फिरौती पहुंचा दूंगा। माँ कसम, मत देना। ठीक है, आखिरी मौका है, आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन बोल गया मुझे अब पूरी आर्ट चाहिए। ओए, ये तो मान गया। ठीक है, महाराज से बात कराओ। ठीक है, ये ले बात कर। महाराज आप ठीक तो है ना? हम महावीर हैं, सालों ने भूखा मार दिया है। मोटा फिर शुरू हो गया ये मोटा मुच्छड़। मनोज तो तोता रटन की तरह बार बार एक ही वाक्य दोहराता रहता है। सुन ली बे अपने पालतू महाराज की आवाज। हाँ सुन ली। अब एक बात बताओ, महाराज को तुम लोग खाना वाला तो ठीक से दे रहे हो ना? दिन में 4 बार बहुत हरी मिर्चें खाता है ये। तू इसके भोजन की चिंता छोड़ और मेरी मुद्राओं की सोच, वरना अगली बार मैं महाराज को उबालकर पी जाऊंगा। कट। वाकेलाल को ध्यान घंटे की आवाज ने तोड़ा। टन टन। ओए क्या बात है, ये घंटाली तो पूरा ही सुधर गया है, बिल्कुल उस मोटे मनुष्य की तरह समयनिष्ठ हो गया है। बाकेलाल के दिमाग में जैसे कोई बम फूटा था। अरे ये घंटाली तो यहाँ सोया पड़ा है, फिर ये घंटा कौन बजा रहा है? तभी तभी जल्दी करो कंबख्तो, भोजन का घंटा बज भी गया है पर अभी तक सब्जी तैयार नहीं हुई है। क्यों, क्या करें राज रसोईया जी, 600 लोगों तक का भोजन तैयार करना आसान कम थोड़े ही है। 600? परंतु महल में सिर्फ 499 कर्मचारी ही है, ये बाकी के 101 लोगों का भोजन किसके लिए तैयार किया जा रहा है? ऐसा पहले तो तभी होता था जब मोटा यहाँ मौजूद होता था। यानी मोटा महल के अंदर ही मौजूद है? अब सब कुछ मेरी समझ में आ गया है। मोटा कोहिनूर ढूंढ नहीं पाया होगा और गुपचुप महल में ही छुप गया होगा, और उसके छुपने की जगह घंटा ही हो सकता है, तभी ये घंटा समय पर बज रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद, महाराज महाराज बाहर आइए, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। वाकेलाल तुम्हें इस स्थान का पता कैसे चला? वो सब छोड़िए और ये बताइए कि ये सब चक्कर क्या है? वाकेलाल हम नरभक्षियों के चक्कर में फंस गए थे,
नरभक्षियों की तो हमने बीन बजा दी, पर महारानी के बेलन के भय के कारण हमें यहाँ छिपना पड़ा। हमारी पोल ना खुल जाए इसलिए हम खुद ही घंटाली बन गए। संवादिया राजपाल रोजाना हमारे लिए भोजन लेकर आता है, परंतु अब हम और ज्यादा यहाँ पर रुक नहीं सकते। महाराज, मैं आज रात ही आपको इस पीड़ादायक कैद से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। क्या सच बाकेलाल? बिल्कुल सच, माँ कसम। भोजन के पश्चात बन गया काम। भोजन में मिलाई बेहोशी की दवा काम कर गई। अब मुझे बस मोटे को खींचकर घंटे से बाहर लाना है। उफ, कितना भारी है ये। हफ, जान निकाल दी मोटे ने, अब इसकी जान निकालने का प्रबंध करता हूँ। मैंने मांस का टुकड़ा बांध दिया है, अब बाकी का काम यहाँ बैठे उकाब खुद ही करेंगे। नर्क की यात्रा शुभ हो मोटे। मोटे के क्रियाकर्म का इंतजाम तो मैं कर आया, अब अपनी गर्दन बचाने का भी प्रबंध कर दूं, वरना ये नामुराद महामंत्री इस बार मुझे ही भेजेगा अप्पू के पास। महारानी जी, महाराज ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर आपको बेवकूफ बनाने की योजना बनाई है, और इस योजना में उसका साथ दे रहा है अप्पू अपहरणकर्ता, जिसके ठिकाने पर महाराज शाही दावत का लुत्फ उठा रहे हैं। क्या उनके ये हिम्मत? स्वर्णा से पंगा? कूटनी, कहाँ है मेरा बेलन? धैर्य रखिए महारानी जी, महाराज ऐसे काबू में नहीं आएंगे, उनको रंगे हाथे पकड़ना होगा, और उसके लिए खुसुर फुसुर। रानी जी के कान भरने का परिणाम जल्दी सामने आया। मुझे कुछ नहीं सुनना, फिरौती लेकर मैं स्वयं जाऊंगी। समझने का प्रयत्न करें महारानी जी, अप्पू बहुत खतरनाक है। तुम्हें मेरी वीरता पर संदेह है महामंत्री? बेलन निकालू क्या? मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं था महारानी जी। तो फिर तुम्हारा क्या तात्पर्य था महामंत्री? वो मैं गड़ब मिमियाना छोड़ो और हमारा रथ तैयार करो, अपने बलमा को बचाने हम स्वयं जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा महारानी जी। बोलो, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो स्वर्णा छत्राणी थी। अरे बाकेलाल, ये काम तो नारा मंत्री का था। इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी और सिक्का मेरे बाप का। एक तरफ उस मोटे मुच्छन को उठा ले गया उकाब, दूसरी तरफ मैंने अपनी जगह महारानी को भेजकर अप्पू के हाथों तो अपनी दुर्गति होने से बचा ली, और इन सब के अलावा मैंने कमा लिए फिरौती की रकम के 8 बोरे स्वर्ण मुद्राएं भी। महारानी के रथ में रखी बोरियों में तो सिर्फ ईंट पत्थर ही रखे हैं। सारे काम वैसे ही हो गए जैसा मैंने सोचा था। अब बस मन में सिर्फ एक ही जिज्ञासा रह गई है, अप्पू महारानी को क्या बनाकर भेजेगा। महारानी का रथ सीधे अप्पू के अड्डे पर जाकर रुका। ये क्या, अप्पू को फिरौती एक स्त्री लेकर आई है? कोई नहीं, मुझे तो मेरी मुद्राओं से मतलब है। ला वो बोरी मुझे दे दे, पहले मेरे मोटे को सामने लाओ, वरना बोरा तो दूर एक ढेला भी नहीं मिलेगा। अप्पू से सौदेबाजी? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया जाहिल स्त्री? मुझे जाहिल बोलता है कमबख्त? ये ले, चक मचा, धार। आ, ये वार तो जाना पहचाना लग रहा है। आ, रुक जा मूर्ख स्त्री, अप्पू स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु स्वर्णा पुरुषों पर हाथ भी उठाती है और लात भी, धार। कमबख्त स्त्रियों पर हाथ ना उठाने की आड़ लेकर बचना चाहता है? देख क्या रहे हो कमबख्तो, रोको इस महाबला को। अप्पू के साथ ही रानी स्वर्णलता को रोकने के लिए आगे बढ़े, मगर धा धा आ ओह मर गया रे। जल्दी बस करो अम्मा, तो फिर लाओ मेरा बलमा, बुलवाओ महाराज को। अरे तुम लोगों ने सुना नहीं क्या, जाकर महाराज को ले आओ। ये लो अपना महाराज, हम महावीर हैं, मुझे पप्पू समझा है? नहीं, मुझे पप्पू समझा है नहीं, सालों ने भूखा मार दिया। आ आप क्यों मारा? महाराज कहाँ है? यही तो महाराज है, मुझसे झूठ बोलता है, दू क्या? नहीं नहीं माँ कसम, तुमसे झूठ नहीं कह सकता। तुमने तो मुझे कम्मो की याद दिला दी। कम्मो कौन? मेरी पत्नी, जिसकी पिटाई से तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया, जिसके कारण मुझे जंगल में अपना बसेरा बनाना पड़ा, क्योंकि वो मुझे हमेशा कोई ना कोई महंगी चीज लाने को कहती थी, जिसको खरीदना मेरे बस की बात नहीं थी। उसके चक्कर में मेरा घर बार जमीन जायदाद सब बिक गया और मैं सड़क पर आ गया, लेकिन उसकी फरमाइश से कम ना हुई।
अब उसकी फरमाइशें पूरी करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। सो मैं और मेरे साथी राशि परिवार के पालतू पशुओं का अपहरण कर उनसे फिरौती वसूल करने लगे। मेरे साथ भी पत्नी की फरमाइशें की ही सताए हुए हैं मेरे साथी भी पत्नी की फरमाइशों के ही सताए हुए हैं। एक दिन मेरे हाथ ये तोता लग गया जिसके पास ये तेरी फू यंत्र था। बस मैंने इसकी फिरौती के लिए रुपए मंगवाए ये सोचकर कि अगर हमारे पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो हम अपनी पत्नियों के पास लौट जाएंगे। माँ कसम इनके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। सुबुक सुबुक इस रथ में 8 बोरी स्वर्ण मुद्राएं हैं। तुम लोग आपस में बांट लो और अपनी पत्नियों के पास लौट जाओ। एक तुम लोग हो जो अपनी पत्नियों की फरमाइशी के लिए इतने दुख उठा रहे हो और एक मेरा पति है निगम्मा निठल्ला जो मेरी एक छोटी सी फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकता। हाय मेरा कोहनूर। अरे बोरियों में तो ईंट पत्थर भरे हैं। क्या महल में इतना विलंब हो गया परंतु अब तक महारानी जी नहीं लौटी? चिंता ना कीजिए महामंत्री जी, महारानी जी सकुशल लौट आएंगी। बस कर गद्दार बाकेलाल, तेरा भांडा फूट चुका है। अपनी जुबान को लगाम दे सेनापति। महामंत्री जी इस दोस्त ने महाराज को मार डाला है और महारानी जी को मौत के मुंह में धकेल दिया है। ये झूठ है, ये सच है। वास्तव में महाराज का अपहरण हुआ ही नहीं था। ये सब इस दोस्त ने चाल चली थी स्वर्ण मुद्राएं कमाने की। असल में महाराज घंटे के अंदर छिपे बैठे थे जिसके बारे में सिर्फ संवादिया राजपाल और राज रसोईया जानता था। ना जाने इस दुष्ट को कैसे भनक लग गई और इसने राजपाल को अचेत कर महाराज को बेहोशी वाला खाना खिला दिया और उनके शरीर से मांस बांधकर उकाबों के बीच छोड़ दिया। तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है? एक नहीं कई प्रमाण है। हमने तुम्हारे कक्ष की तलाशी ली जिसके तहखाने में 14 बोरिया स्वर्ण मुद्राएं शेर और प्रेत के खाल वाली पोशाकें बरामद हुई जिससे साफ पता चलता है कि अप्पू तक फिरौती ना पहुंचने का कारण तुम्हारी ही कुटिल योजना है। मर गए। सेनापति बिल्कुल सत्य कह रहा है। इस दोस्त ने हमसे झूठ बोलकर हमें अप्पू के पास भेजा ताकि वो हमें मार डाले और बोरियों में भी स्वर्ण मुद्राएं के स्थान पर ईंट पत्थर भरे थे। महारानी जी आप मर गया बेटा बाके। हाँ दोस्त बाकेलाल, हमने तुझे क्या समझा था और तुम क्या निकले? अब देर मत कीजिए महारानी जी, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अभी इस विश्वासघाती का सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। आज्ञा है। मरने के लिए तैयार हो जा बाकेलाल। नहीं हे प्रभु, इस बार बचा लो, अगली बार से कोई खुरापात नहीं करूंगा, मां कसम। तभी ओह ये क्या, धड़ाम भूकंप आ गया। हाय ये कैसी मदद भेजी भोले शंकर। भूकंप का कारण जानने जब सभी बाहर निकले तो महाराज ओह तो इस भूकंप का कारण आप थे। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि आप सकुशल हैं। हमें क्या होना था महारानी। हम तो महावीर हैं और ये भूकंप हमारे कारण नहीं बल्कि इसके कारण है। कोहिनूर, आप कोहिनूर ले आए? कैसे ना लाता हमारी प्राण प्रिय महारानी की इच्छा भला हम कैसे टाल सकते थे। ओह महाराज आप कितने अच्छे हैं। इस प्रशंसा का हकदार बाकेलाल भी है। वो अगर हमें उकाबों के बीच ना छोड़ता तो हम कभी कोहिनूर तक नहीं पहुंच पाते। परंतु महाराज उस दुष्ट ने तो आपके प्राण लेने का प्रयास किया, स्वर्ण मुद्राओं का घोटाला किया। तुमने अभी बाकेलाल का पक्ष नहीं सुना रानी। जब तुम उसका पक्ष सुनोगी तो समझ जाओगी कि वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। महाराज को कोहिनूर चाहिए था जो केवल उकाबों की घाटी में मिल सकता था, लेकिन उकाब अपने शिकार को ही वहां ले जाते हैं। इसलिए मैंने महाराज को बेहोश कर दिया। और रही बात अप्पू अपहरणकर्ता की तो मुझे शुरू से शक था कि महाराज अप्पू के पास नहीं है, इसलिए मैंने फिरौती की रकम उस तक पहुंचने नहीं दी। बाद में मैं स्वयं ही वो मुद्राएं राजकोष में जमा कर देता। अप्पू को पकड़ना भी जरूरी था और उसे महारानी ही पकड़ सकती थी, इसलिए मैंने ऐसी योजना बनाई कि महारानी खुद अप्पू के पास जाए। बाकेलाल अगर तुम ये बात पहले बता देते तो हमारी दुर्गति होने से बच जाती। सेनापति बाकेलाल के कक्ष से बरामद
सेनापति, भाकेलाल के कक्ष से बरामद स्वर्ण मुद्राओं की बोरिया अप्पू और उसके साथियों को दे दो। इसकी पत्नी भक्ति से प्रसन्न होकर हमने इनके सुधरने का एक मौका दिया है। महारानी जी की जय। हमें कोहिनूर दिलवाकर तुमने आज हमारा दिल खुश कर दिया है, इसलिए आज तुम्हारी हवाई पुच्ची मैं लूंगी। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करो और उसकी भी वीडियोस जाकर के देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।